नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच शुक्रवार को आईपीएल 2020 का 41वां मुकाबला शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में चेन्नई को मुंबई के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल 2020 के 41वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम का एक दूसरे से आमना सामना हुआ। शारजा में खेले गए इस मैच में मुंबई ने चेन्नई को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। मुंबई के हाथों मिली इस हार के साथ ही चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंचने की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मुंबई की टीम में मौजूदा कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो धोनी का काफी सम्मान करते हैं और हार्दिक पांड्या भी उस लिस्ट में मौजूद हैं। मैच के बाद पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम पर धोनी के साथ फोटो शेयर की है, जिस पर साक्षी और नताशा ने भी रिएक्शन दिया है। हार्दिक पांड्या और धोनी टीम इंडिया के लिए काफी समय तक एक साथ क्रिकेट खेल चुके हैं, जिसके चलते दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है। वहीं के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी पांड्या ने उनके लिए भावुक पोस्ट शेयर किया था। वहीं मुंबई और चेन्नई के बीच खेले गए मैच में ये दोनों ही खिलाड़ी एक बार एक दूसरे के साथ दिखाई दिए। पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो धोनी के गले लगते हुए नजर आ रहे हैं और सीएसके के कप्तान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल है। पांड्या के इस पोस्ट पर धोनी की पत्नी साक्षी और पांड्या की वाइफ नताशा स्टैनकोविक ने कमेंट में दिल वाली इमोजी के साथ अपना रिएक्शन दिया है। बताते मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए इस मैच में सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सैम कुरेन की मदद से 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 114 रन बनाए। मुंबई की तरफ से ट्रेंट बोल्ट ने अपने गेंदों से कहर बरपाते हुए 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। 115 रनों का पीछा करने उतरी मुंबई ने ईशान किशन और डिकॉक की पहली विकेट के लिए 116 रनों की नाबाद पार्टनरशिप के दम पर बिना कोई विकेट गवाए इस लक्ष्य को 12.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। मुंबई की ये 10वीं मैच में 7वीं जीत है और टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है, जबकि चेन्नई को इस सीजन में अपनी 8वीं हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पर इंडिया।